भाजपा का आजीवन समर्पण निधि अभियान का आज आगाज हुआ है और इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उन्हें सुनते हैं। पार्टी को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए, पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पार्टी को सक्षम बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में इस बात को विशेष रूप से उद्धृत किया है और इस विशेष रूप से इस बात को स्थापित किया है। और इसलिए केवल इवेंट पर नहीं, पार्टी में स्थायी रूप से आर्थिक पार्टी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और इसके लिए लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में, शुभचिंतकों के बीच में इस आजीवन सहयोग निधि के जरिए पार्टी के लिए निधि संग्रह का अभियान चलाती है। हर 2-3-5 वर्ष में जब भी अवसर होता है, केंद्र की निर्देश के अनुरूप, केंद्र का जो आर्थिक अनुशासन है उसके अनुरूप, उनके निर्देशों के अनुरूप राजस्थान में भी काफी समय के बाद में हम लोगों ने, यूं तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर निधि संग्रह का संकल्प के तौर पर एक कार्यक्रम होता है, उसमें कार्यकर्ता छोटी छोटी पूंजी अंशदान के रूप में पार्टी के पक्ष में दान करता है, स्वेच्छा से करता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने 25 दिसंबर से लेकर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती से लेकर 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि तक इसको निधि संग्रह का एक पूरा प्रदेशव्यापी अभियान हमने चलाया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आमतौर पर कोरोना का भी एक इस तरीके का प्रकोप था जब आर्थिक गतिविधियां ठप थी, लेकिन मुझे गौरव भी हुआ, प्रसन्नता हुई कि जब मैं सुदूर दक्षिण आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर था तो पार्टी के इस अभियान को लोगों ने स्वैच्छिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों में भी, उसके तदनंतर मैं जब पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थली इलाकों में दौरे पर था, सुदूर एकदम सीमावर्ती क्षेत्र के जैसलमेर बाड़मेर तक भी, वहां भी स्वेच्छा से पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक अपनी इच्छा से पार्टी के हक में इस अंशदान को उन्होंने किया। और आज एक अहम पड़ाव है क्योंकि इससे अभी जब अभियान शुरू किया तो ये तय किया था 2000 रुपए तक की राशि, ये जिसकी रसीद हम लोग पार्टी की तरफ से जो केंद्र से आती है वो देते हैं, 2000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन ये चेक के रूप में पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मैंने अपने स्वयं के अकाउंट से भी शुरुआत की, विधानसभा के मेरे जो खाते से है, हमारे पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने भी अपने संसदीय वेतन से, विधानसभा के अपने उस अकाउंट से देना शुरू किया। और उसके बाद लगातार पार्टी के ऐसे समर्थक, शुभचिंतक, उन्होंने भी अपनी इच्छा से इसमें सहर्ष अंशदान देना शुरू किया है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी सामान्यतः न्यूनतम 100 रुपए से लेकर ऊपर तक जो वो चाहे वो अंशदान करेगा। आज मुझे खुशी है कि इसी एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत आज जो डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की है फोन पे के जरिए, मैं फोन पे की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी से एसोसिएट होके हमारे इस अभियान को तकनीकी तौर पर हमें संबल भी दिया है, सहयोग भी दिया है। और इस लिहाज से आज इसकी विधिवत शुरुआत हुई है। हमारे पार्टी के तमाम प्रमुख नेता, हमारे आदरणीय उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे संगठन मंत्री जी, पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, उनकी साक्षी में ये पूरा प्रदेशव्यापी अभियान है जिसमें बूथ का कार्यकर्ता भी अपनी सामान्य पूंजी को डिजिटल तरीके से पे करेगा। और 44 ही जिलों में, पार्टी के संगठनात्मक 44 जिले हैं और 44 जिलों के 44 QR कोड हैं, पार्टी के उस जिले के कार्यकर्ता उसको स्कैन करके ये डोनेशन कर सकते हैं। एक प्रदेश का यूनिवर्सल कोड रहेगा, उस पर भी
कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इसको एक्सेस करके अपना डोनेशन दे सकता है।